राम की नगरी अयोध्या में ऐतिहासिक रामलीला का मंचन नवरात्रि के पहले दिन यानी शनिवार शाम से शुरू हो चुका है। 25 अक्टूबर तक चलने वाली अयोध्या की रामलीला में भरत का किरदार अभिनेता व सांसद रवि किशन ने निभाया। सांसद रवि किशन की भूमिका को दर्शकों ने खूब सराहा। इस मौके पर सांसद व फिल्म अभिनेता रवि किशन ने कहा कि भरत की भूमिका निभाकर उन्हें काफी खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि रामलीला के माध्यम से सनातन धर्म को बढ़ावा मिलता है तथा राम और भरत के आदर्शों से लोगों को सीख लेने की जरूरत है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सांसद और अभिनेता रवि किशन शुक्ला ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है कि सांसद बनने के बाद ये पहला मौका है कि जहाँ पर हम प्रभु राम की सेवा में यहाँ पर आए और भरत जी जो एक खड़ाऊ लेके, जिस तरह मैं पूज्य महाराज जी के खड़ाऊ लेकर गोरखपुर की सेवा कर रहा हूँ, उसी तरह एक बहुत बड़ा एक संदेशा था कि बड़े भाई के लिए छोटा भाई कैसे सब कुछ अपना त्याग कर देता है। तो आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और इसको कहते हैं कि जीते जी मोक्ष मिला कि प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। उसी धरती पर हम आज भरत जी की भूमिका में, तो जय श्री राम के साथ मैं समस्त गोरखपुर की अपनी देवतुल जनता को साधुवाद देता हूँ और प्रभु राम आप सब लोगों के जीवन में बहुत सारा आशीर्वाद दें। उसी धरती से मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जय श्री राम। माता रानी आप लोगों को हमेशा प्रसन्न रखे, स्वस्थ रहे। अभी नया रोजगार जो शूटिंग के माध्यम से गरीब बच्चों को, कलाकारों को गोरखपुर में मिल रहा है, फिल्म सिटी की योजना जो बन रही है, उसके लिए भी आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और बस इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहें, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। जय हरार।